दोस्तों नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के पास नोट शीट पहुंचने का मामला है। लोक शिक्षण के अधिकारी सचिव और माननीय उप सचिव महोदय से भी मुलाकात हुई। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात हुई। मुलाकात सार्थक रही, पूरा अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा। नोट शीट यानी जो महापंचायत राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर अतिथि शिक्षकों की 2 सितंबर 2023 को संपन्न हुई, जिसमें उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों के लिए घोषणाएं की। उनके आदेश जारी करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि जल्द ही होगा और उसका नोट शीट नए मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव के पास भेजने का अतिथि शिक्षकों ने आग्रह किया था और वह भी आज पहुंच चुकी। यहाँ पर आपको कंप्लीट अपडेट बताएंगे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अपडेट यहाँ पर आपको मिलेगा। कल भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जो मुलाकात हुई थी, उसकी नोट शीट नए मुख्यमंत्री मोहन यादव तक आज पहुंच चुकी होगी। तो यहाँ पर अपडेट है, आभार पत्र करके यहाँ पर देख सकते हैं। 5 जनवरी 2024 का लेटेस्ट अपडेट है। कटनी जिले के समस्त जावाज सिपाही अतिथि शिक्षक हित में सक्रिय रहने वाले पदाधिकारी एवं सक्रिय अतिथि शिक्षकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम द्वारा कटनी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को आभार और साधुवाद दिया गया है। साथ ही अतिथि शिक्षकों के हित में महापंचायत में की गई घोषणाओं के आदेश जारी कराने, भोपाल प्रवास में रहने के कारण मैं आपके ज्ञापन कार्य में सम्मिलित नहीं हो सका है, ऐसा यहाँ पर अरुण गिरी गोस्वामी जी का कहना है। यहाँ पर जिसका मुझे खेद है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से सकारात्मक चर्चा की गई, जिसका वीडियो मैंने डाल दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के जो वक्तव्य हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम जल्द ही आदेश जारी करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनके द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं का आदेश जारी करने हेतु नोटबुक में दर्ज करने आदेशित किया गया है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को संभवतः आज पत्र प्राप्त हो चुका होगा, यानी कल पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने नोट शीट के पत्र नए मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पास भेजे थे और उनको आज मिल चुका होगा। इसके अलावा भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री माननीय श्री मधुकर सांवले जी, संगठन मंत्री माननीय श्री निरंजन सिंह जी तथा प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री संजय सिंह जी से संघ के अध्यक्ष शर्मा जी ने महापंचायत में हुई घोषणाओं के आदेश कराने सकारात्मक वार्ता करते हुए लोकसभा चुनाव के पूर्व आदेश कराने का आग्रह किया गया। तत्पश्चात आज मंत्रालय में प्रमुख सचिव तथा उप सचिव महोदय जी से सकारात्मक चर्चा की गई। अतिथि शिक्षकों की फाइल में कार्य चल रहा है, ऐसा वहां से अपडेट मिला है प्रमुख सचिव से और उप सचिव महोदय से। आशा है कि अप्रैल 2024 तक नए सत्र में कुछ अच्छा हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी से जिला मीटिंग में जल्द मुलाकात हो सकती है, धन्यवाद दिया गया है। जय अतिथि शिक्षक के नारे के साथ यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ मर रहे का नारा भी दिया गया है। अरुण गिरी गोस्वामी जो कि प्रदेश महामंत्री हैं, इनका मोबाइल नंबर है अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश, जो कि भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश से संबद्धता प्राप्त संगठन है, लगातार अपने स्तर पर काम कर रहा है और अतिथि शिक्षकों के हित में लगातार यहां पर काम हो रहा है। दोस्तों मध्य प्रदेश में कई संगठन हैं, तो अलग अलग संगठनों के द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि अतिथि शिक्षकों के हित में जल्द ही नया आदेश जारी होगा और पुरानी जो घोषणाएं थी उनके आदेश अतिथि शिक्षकों के लिए जारी होंगे और अतिथि शिक्षकों के जिंदगी में भी बड़ा बदलाव जल्द होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट और नए अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।